भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीबॉडी, नमस्ते भाई लोग। कानपुर का टूर शुरू हो चुका है और यहाँ पे नंटू आज हम लोग रात को निकल गए हैं, मिड नाइट को या भोर को हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये कानपुर का सफर है हम लोगों का, लाइफ में फर्स्ट टाइम कानपुर का सफर। तंबू राहिल बाबू। हाँ बाबा, ये तो दो क्या दिखा रहा है भाई। और ये दो सत्ता मारे कानपुर में, इंशाल्लाह। ठीक है, इसीलिए दो दिखा रहे, दो दिन में दो सत्ता। इंशाल्लाह सबका जोश रिटर्न आ चुका है। लोग लखनऊ में जरा सा घबराए हुए थे, फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत पर्ची से हम लोग हारे हैं लखनऊ में। सब चार पाँच छः ऐसा कर ही कटे हैं। ये शकील अंसारी फैजान का जो टीम था वो अलोक रनर का टीम को सिर्फ चार टिकट से हारा है, अलोक लोगों से, वो भी आखिरी में अलोक लोगों ने। विनर है। ठीक है, तो ये है मसला है भाई साहब। ठीक है, और अभी सब बड़ी ले रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मेरा आज फैजाबाद में आखिरी 46 टिकट था, 46 टिकट लिया था पंडित जी से। ठीक है, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन काटा। शंभू का जिसमें दो आपका जाके 6 रुका है, 70 रुका है, एक 5 काटा और एक 70 मारा। ये है शंभू, बहुत खुश बेटा। और अभी हम लोग बेनेडी घर में अपना ट्रेवलर में बहुत ही प्यारी तरीके से हम लोग निकल रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए 9:30 बज रहा है, रात को 9:30 बज रहा है और अभी तुरंत ही हम लोग निकले हैं। इंशाल्लाह 4-5 घंटे बाद हम लोग कानपुर पहुंच जाएंगे, जो कि टाइम 1-2 बजे के तहत शायद होगी। और बहुत ही बढ़िया तरीके से जा रहे हैं और हम लोगों का टीम मेंबर देखिए बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल ठीक है, बहुत मस्त है बिल्कुल। राजेश बच्चा बहुत खुश है, बहुत ब्यूटीफुल। हाँ, राशिद हम लोगों को बोला है ठीक है भाई। और अभी भी मैं तरोताज़ा हूँ अल्लाह का करम से। मुझे लगता है अगर कुछ लोग मेरे को नेगेटिविटी के नज़र से लेते हैं तो उसके हज़ार गुना लोग मुझे चाहने वाले हैं। ये मैंने देखा लखनऊ में, फैज़ाबाद में लोग मुझे यूं लपक लपक के पकड़ रहे हैं और हमें देखकर रो रहे हैं। और रास्ता में चलते हुए लोग बोले वासिफ भाई आप कब आए, हर जगह में। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई शायद मेरे जाने के बाद मेरा नाम बाकी रह जाएगा, लोग मेरे लिए दुआ करेंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, बस और क्या चाहिए। ठीक है भाई, चलिए खुदा हाफिज़, फिर आगे दिखाते हैं। अभी हम लोग कानपुर से कानपुर में पहुंचने वाले हैं, रात को कुछ 2 बज रहा है और हम लोग ढाबा में ठहर के चाय पानी सब ले रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, ये बुढ़ाओ झुमा गया चेहरा देखो ना। ठीक है, ठीक है, और नंटू लग रहा है यहीं पर ही ठहर जाएगा, हम लोग का साथ नहीं जाएगा, फिर वापस फैजाबाद जाएगा बोल रहा है। ठीक है, अयोध्या में रह जाएगा। ठीक है, और इसी हिसाब से भाई हम लोग का टूर हो रहा है समझ लीजिए, और सब मजमा लेते हुए बिल्कुल। ठीक है ना, चलो 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 चलो। देखिए भाई साहब, लोग कानपुर में हम लोग एंट्री कर गए हैं, रात को 2 बज रहा है और नज़ारा देखिए, हो सकता है भूत ऊत दिख जाए लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई साहब। ऐसा लग रहा है कोई फॉरेन कंट्री आ गए हैं, कोई शूटिंग होने वाला है। सुहान तेरी कुदरत, तू ही खुदा, तू ही ईश्वर, तू ही भगवान। ठीक है, यही है बात भाई साहब, परमात्मा एक ही है जो ऊपर बैठ के हम लोगों सबको देख रहा है। आँख हमारा है, दर्शन उनका है, यही है। बहुत ही खूबसूरत है भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। बीच रात सुनसान राहें, आज हम लोग माशाल्लाह
कानपुर आ चुके हैं। नाइट को पहुंचे थे और मिराज भाई सुबह सुबह हम लोग का बहुत स्पेशल नाश्ता लेके आए बिल्कुल, और रात को भी स्पेशल वासिफ भाई की, हमारे वासिफ भाई आए कलकत्ते से। ये तो हमारा जो है छोटे भाई का एक फर्ज है, ये हमारे बड़े भाई हैं और ये जो चाहेंगे इनको वो इंशाल्लाह मिलेगा। जैसे वहाँ कलकत्ते में घर पे मिलता वैसे यहाँ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ठीक है। अभी हम विशाल भाई भी सुबह सुबह हमारा मिलने के लिए चाय पानी एकदम लेके आए ताकि फ्रेश हो जाए सब, ठीक है। हम भाई सबसे बड़ा बात है भाई ताल्लुकात, और कोई बात नहीं है। और ये देखिए गब्बर का मैनेजमेंट करते हुए बिल्कुल बहुत बढ़िया से सब मैनेज कर रहे हैं। नंदू भी बहुत खुश है कि इस बार भी हम लोग तीन शहर लड़ाए हैं। पिछले साल भी हम लोग बीकानेर जोधपुर जयपुर लड़ाए थे, ये साल लखनऊ फैज़ाबाद अयोध्या होते हुए आपका जाके कानपुर आए हैं, ठीक है। चलिए भाई फिर आप लोगों को आके दिखाते हैं इंशाल्लाह। और हम लोग इस हिसाब से अभी सब निकल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन मज़ा आ रहा है। हम लोग सेकंड फ्लोर में हैं होटल रॉयल पैलेस में, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन शौक होगा इंशाल्लाह। हवा 9-10 के स्पीड में चल रहा है इंशाल्लाह। आज हम 7-8 पतंग उड़ाएंगे, उसमें 3-4 बाढ़ करने की कोशिश करेंगे खुद की, और टीम तो इंशाल्लाह जीतेगा ही जीतेगा। सब आप लोगों का दुआ और आशीर्वाद है। जो हवा है लखनऊ में भी अगर हवा मिल जाती शायद हम लोगों का कुछ, जो सिर्फ 2-4-5 टिकट घट रहे हर टीम में वो ना होती, ठीक है ना। और इसी हिसाब से हम लोग आज गेम आप लोगों को आगे दिखा रहे, देखते रहिए। और हम लोग सब कानपुर में नदी पार होते हुए, ये देखिए पलटन लोग सब आ रहे हैं घाट पे से, हम लोग पार होने वाले हैं। ये शंभू कैसा लग रहा बेटा? एकदम ठीक ठाक। हाँ हाँ, ये देखिए मिराज भाई, हम लोग वासिफ भाई को यहाँ कानपुर शहर में हमको देख देख के मिराज भाई लोग इमरान भाई लोग बहुत खुश हो गए, ठीक है। अब हम लोग नाव पे चढ़ रहे हैं बिल्कुल। हमारा 7 आदमी है ना, बैठ ना पहले। हाँ भाई, हाँ भाई, अरे ओटी का बस ना, वो तो किधर है? अभी भाई लोग सब बैठे हुए, हम लोग स्टीमर में और भाई इंजन इतना स्टार्ट की कोशिश कर रहे हैं, और इसी हिसाब से ठीक है। अभी हम लोग निकल रहे हैं भाई, बेहदी नहायती बेहदी और नहायती खूबसूरत आपका जाके नज़ारा। ये पतंगबाजी का हम लोग का बहुत बढ़िया शौक होता है कि नई नई जगह में हम लोग जाते हैं पतंगबाजी करने के लिए, और बहुत कुछ देखने को मिलता है ना गब्बा, नया चीज़ देखने को मिलता है। ये हम लोग को पहली बार पानी में सफर करके, अरे बिना पहली बार पानी में सफर पतंग लगाने जा रहे हैं हम लोग अभी कानपुर पे, कानपुर के घाट से है बिल्कुल, पूजा घाट से हम लोग, सत्थैया घाट है, हाँ तीर्थ घाट है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। हाँ ये देखिए सरसाया घाट लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को नजर आता होगा। वीडियो ऑन कर रही में जा रहे हैं आप लोग देख सकते हो, हम चाहे तो पानी में हाथ दे सकते हैं। ये देखिए पानी में हाथ दिया मैंने, ठीक है, ये देखिए पानी में हाथ दिया, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत सीन है। नदी क्रॉस करके मछली भी देखने मिल रहा है हम लोगों को, ये देखिए यहाँ पे मछली सब एकदम, ये देखिए, ठीक है, नहीं मछली भी है, मछली है, मछली भी है, अच्छा वीडियो आप बनाए, देखो
ये देखिए मछली बड़ो बड़ो माछ है, मछली भरा हुआ है बिल्कुल। मछली देखने को भी मिल जा रही है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो मिल जाएगी देखने। दुड़ुम दड़ुम भाग रही है, ठीक है। बहुत गहरा पानी है, नहायत ही खूबसूरत है, सुहान तेरी कुदरत। पौड़ी बहुत खुश है आज, बोल दे डायलॉग तो कौली अभी हम लोग नदी पार कर चुके हैं और स्टीमर जो है यहाँ पे नाव खड़ा रह गया। आप हम लोग चल के जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही मस्ती होने वाली है आज, ब्यूटीफुल जगह आ गए हम लोग, ठीक है भाई। कौड़ी और औड़ी अभी बहुत खुश है, बिल्कुल एक एक नज़ारा दिखा रहा है ये, और संजुदा मांझा से छोड़ते हुए और आपका जाके शंभू एक पेज काट दिया है और दूसरा पेज लड़ रहा है भाई से, ये रहा नज़ारा, ठीक है। और मैं पेज का तरफ दिखाना जा रहा हूँ, कोहरा बहुत है, अब पता नहीं है जो पेज दिखेगा या नहीं। ये देखिए, ये गद्दा मारा काट दिया शंभू को, गद्दा मार के शंभू काट दिया, ठीक है। अभी हम लोगों के पास 3-4 पतंग लड़ी है, उन लोगों का एक टिकट हमारे पास आई हुई है जो कि बहुत ही बढ़िया लड़ा रहे हैं भाई लोग। ये देखिए ये बंदा और ये गब्बर नीचे के हिस्से में घुस के आए हैं, नीचे के हिस्से में आप ऊपर मुंडा को खींच रहे हैं गब्बर, अपोनेंट बाहर को गद्दा मार रहे हैं। ये देखिए काट दिया गब्बर ने, बहुत बढ़िया काटा गब्बर ने, ठीक है। देखने लायक का पेच काटा, शायद आप लोगों को पेच नज़र आई या नहीं मालूम मुझे, मेरे आंखों में धूप पड़ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। और अभी गब्बर देखिए बहुत ही बेहतरीन पेच काटा गब्बर, मतलब बालू में भी कुछ नहीं सोच रहा है, दौड़ दौड़ के पेच काट रहा है। अगर यही पेच लखनऊ में होती बाखुदा, मेन बात है वहाँ पर हवा नहीं थी और हम लोग बंद पड़ गए थे पता नहीं क्यों। हालाँकि खिलाड़ी बहुत बढ़िया लड़ा रहे हैं अब, बिल्कुल हर जगह किसी जगह को कुछ ना समझ रहे हैं, ठीक है। और इसी हिसाब से पतंगबाजी हो रही है हम लोगों की, हाँ। और सब खिलाड़ी बिल्कुल सब लगे हुए हैं, बहुत बेहतरीन। ए बाबू इधर देखो, ठीक है, कैप्टन के पास, ठीक। ये है वासिफ भाई का प्यारा जो मैंने खा लिया, ठीक है। ये मेरा अंजीर था, मैंने खा लिया, जो बचा इन लोगों ने खाया। ये अंजीर तो सऊदी से मंगाया है, हाँ, सऊदी अरब से मंगाया ये अंजीर, 1200 रुपए किलो है, पूरा पत्थर अंजीर ने पत्थर। लेकिन ऐसा ही जो खाएगा ऐसा उसका बॉडी पत्थर हो जाएगा, उसका हर पार्ट पत्थर हो जाएगा। नंटू तुम एक तो खा लो, पत्थर हो जाएगा तुम्हारा सब चीज, ठीक है। ठीक है भाई, हम लोग ऐसा ही मस्ती करते हैं और अल्लाह करे हर साल हम लोग बाहर जाएं। और इस बार फंडिंग में जो है नंटू गब्बर हाँ और संजुदा सभी मिलके फंडिंग करेंगे, ठीक है। और अभी लगभग 2 बजने में आ रही है, हवा आज फिर से बहुत ही स्लो चल रही है कानपुर में, फिर भी पतंग उड़ के जा रहा है आगे, एक दो करके पेच लड़ रही है। और अभी दोपहर का 2 हो रहा है, कई टिकट है, 3 आया था फिर बराबर हुआ, फिर अभी 1 हो गया, ठीक है। ये स्कोरिंग चल रहा है, भाई लोग भी बढ़िया लड़ा रहे समझ लीजिए, ठीक है ना। अभी राशिद सही करा, ओपोनेंट के भाई ने भी सही करा और बिल्कुल नदी के ऊपर लड़ते हुए पतंग मैं आप लोगों को जूम के तरफ लेके चल रहा हूँ। और आप लोग देखिए ये पतंग अब नज़र आने लगी, ये रही, ठीक है। ये ऊपर वाले ने गद्दा मारा
और राशिद ने कट गए, राशिद ठीक है, अब राशिद कट गए गद्दे में। गब्बर ने अभी ऊपर से गद्दे मारकर नीचे गए हैं और मैं बिल्कुल ओपोनेंट भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं, बहुत ही बेहतरीन पेच लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं पतंग की तरफ लेके चलूँ, ये खींच रहे गब्बर ठीक है। बहुत बढ़िया ओपोनेंट ने गद्दा मारा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया काटा ठीक है। हम लड़के को भेज देंगे जी भाई। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए चाचा अभी खाने पीने के लिए पूछ रहे, इतना फिक्र में है कि आज जफर भाई से समझ लीजिए बहुत ज़माने से बात होती है ठीक है, लेकिन मुलाकात आज हुई है। बीसियों साल की संबंध है, जब हलीम भाई पतंग लेके जाते थे, बात मैं करता था, हलीम भाई पतंग लेके आते थे, ये पतंग भेज रहे वो पतंग भेज रहे हम लोगों को, तब उस टाइम हम कारोबार नहीं करते थे, शौकीन थे। और आज भी जफर भाई का पतंग हमारे बैग पे है जो पिछले साल आई थी तो हम लोगों ने लड़ाया है ठीक है, अभी भी बैग में 30-40 पीस पड़ी हुई है ठीक है। मिल कम पाती है इसलिए लड़ाते भी कम है। तो जफर भाई की देखिए आज मुलाकात हमसे हो गई। और बताइए जफर भाई, आपसे हमसे मिलकर कैसे लगा? है आप लोगों की दुआएं हैं, चल रहा है मामला जी, चले आए फोन गया, वरना हम कहां मैदान हम जाते ही नहीं। हां हां, इसीलिए बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार दिल्ली में आपका समझ लीजिए स्टेशन में हमसे मिलने के लिए आए थे पूरा परिवार, दामाद बेटी का बेटी सब मिलने के लिए आए थे, बस यही रह जाएगा हम लोग तो स्टेशन पे। हाँ हाँ, यही तो कह रहा हूँ मैं, स्टेशन में आए थे दिल्ली से जब मैं आ रहा था। अभी सभी बंदे लोग फोटो खींचने के लिए बेकरार है और मैं अभी सेल्फी फोटो लूँगा, लेकिन वीडियो एक मेमोरेबल होने के लिए मैं ले रहा हूँ ठीक। जफर भाई के पतंग के साथ आप लोग देख सकते हो, ये पतंग एक्चुअली जफर भाई का ही है ठीक है, तो मैं इसका अभी सेल्फी अभी आपका जाके कौड़ी पेच लड़ा रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल हो रही है, समझ लीजिए बहुत ही बढ़िया काटा कौड़ी को ओपोनेंट ने, बहुत बढ़िया पेच काटा, बहुत ही बढ़िया। अभी हम लोग लड़ा रहे हैं लेकिन गेम में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है इन लोगों से तरफ से, मतलब जास्ती हो रहा है बहुत ज़्यादा ठीक है, ठीक है बहुत पॉलिटिक्स हो रहा समझ लीजिए, घीच 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 इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि क्या बताएं हम लोग, हम लोगों को टेम्पर कर दिया जा रहा है जो कि पूरा सफ़र में ये चीज़ नहीं हुआ। अभी हम लोग यहाँ से लड़ा रहे हैं और पतंगबाजी हो रही है लेकिन आज मज़ा नहीं है, ना हवा है ना बढ़िया गेम लड़ रहा है। हम लोग ग्राउंड समझ के आए थे लेकिन ये रेत से नदी किनारे लड़ाने की वजह से गेम घाट पे से बहुत बढ़िया नहीं लड़ रहा है, समझें। अब देखिए क्या होता है, हम लोग का प्लेयर खेल नहीं पा रहा है यहाँ से, बहुत परेशानी हो रही है, ग्राउंड हो तो एक मज़ा आए समझ लीजिए, समझें ये है बात। और क्या बताएं हम, कौड़ी ने बहुत बढ़िया पेच काटा, अभी बहुत ही बढ़िया पेच काट दी कौड़ी ने ठीक है, ये है बात। अभी देखिए मिलती देता है कि नहीं ठीक है, पतंग का मिलती बहुत कमती है, एक एक पतंग छोड़ के जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे 3-4 पतंग हैं कम हवाओं में भी शुरू से ही। सरहिया घाट में हम लोग का पेच लड़ रही है जो कि हम लोग का 3 पर्चा गया हुआ है और बहुत परेशानी वाली गेम लड़ रही है, एक तो हवा भी नहीं है और अजीब सरा गेम लड़ रही है, पता नहीं चल रही है अपनी गलती है कि सामने वाली गलती है, समझ रहे हैं। बहुत मतलब जोश ख़त्म हो जा रहा है पतंग लड़ाने की, यह है बात। मैंने आज एक भी आर नहीं लड़ाया क्योंकि ये 3-4 किलोमीटर हवा में मेरा बस का बात नहीं है लड़ाने का, लेकिन मैंने जो शौक़ अपने ज़िंदगी में जैसा बिकिनियर में किया था वही शौक़ मैंने आपका जाके फैज़ाबाद अयोध्या में किया था मैंने ठीक है, यह है बात, यह है बात भाई साहब ठीक है। कौड़ी फिर पेच लड़ाने के लिए गए हैं जो कि हम पेच आप लोगों को दिखाएं,
बहुत ही बढ़िया पेच ओपोनेंट ने काटा है, बहुत बढ़िया पेच लड़ रही है गब्बर, ये टान के काटे गब्बर को, ठीक है। और बहुत क्लोज होने के बिना पे ये पेच हम लोगों का कट गई। अभी शाम को समझ लीजिए अजान भी नहीं हुई है और बहुत पहले से ही पर्चे रख के बहुत ही समझ लीजिए जुलूम हो गया हम लोग के ऊपर, समझ लीजिए एक किस्म का, ठीक है। और इस टीम को ऐसा लड़ा रहे हैं, अगर अंदर पतंग है तो उसको कह रहे हैं ऊपर से अगर राशिद लड़ा रहा है तो कह रहे राउंड है, हालांकि राउंड नहीं है, ठीक है। टाइम को कील कर करके अगर वो देखिए सूरज अभी भी दिख रहा है वहाँ पे, वो लाल है और सारा दिन ही परेशान हो गया। मेरा लाइफ में सबसे पहला परेशानी है प्रदेश गेम का, समझे। हाँ, जोधपुर में हुई थी जगह के लिए, लेकिन गेम में कोई परेशानी नहीं हुआ था, इस बार गेम में परेशानी हुआ है, ठीक है भाई। एक हवा की तरफ से परेशानी हुई हम लोग का खिलाड़ी काटने पर, ये अजीब सा जगह है पहला बात, और बिल्कुल हवा नहीं है और सारा दिन घिच घिच। शायद हम लोग उतना बहस नहीं करते, ये लखनऊ वाला भी जानते हैं, तीन लखनऊ लड़ी हमारा आगा भाई के साथ, जो एक भी चिक चिक नहीं। हम लोग आगा भाई से 5 पर्चे से हारे थे, वहाँ पे कोई चिक चिक नहीं, लेकिन कानपुर में जब कलकत्ते वाले आते थे हम लोग कभी एक आवाज़ तक नहीं किया और कोई बहस नहीं हुआ, ठीक है, ना ही कोई बदसलूकी, लेकिन बहुत दबाव, बहुत प्रेशर, समझे। अफसोस हो रहा है यहाँ पर आने के बाद। बस मैं यार कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये आखिरी वॉइस में बोल रहा हूँ। अभी हमारा 4 पर्चा गया हुआ है, ठीक है, और एक दो पतंग लड़ेगा, चार पाँच वो तो वही है, 4 या 5 है, तो एक दो पतंग हमारा लड़ेगा, स्कोर हम बता नहीं पाएंगे यार, ये मेरा आखिरी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मेरा यही मैसेज है कि समझ में नहीं आई है शेख ब्रदर्स क्लब से लड़ा के, क्योंकि सब के सब प्लेयर सबसे बाद इतना बोल रहे हैं और हम लोग गुड बिहेवियर वाले हैं। जहाँ तक नंटू, अगर कोई प्लेयर कोई कुछ बोल रहा तो नंटू मना कर रहा, मैं मना कर रहा हूँ, मत बोलो, हाँ ठीक है। और हम तो शांत स्वभाव के हैं, मैं भी गर्म हो जा रहा हूँ, इतना बात समझ लिए उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं, ठीक है, गुस्से मतलब जज्बात कर दे रहे, गुस्से कर दे रहे, ठीक है भाई, ओके चलिए। मतलब शंभू बोलना ही नहीं आता, शंभू तक गुस्सा हो जा रहा है, जो कि पूरा टूर में कभी कोई गुस्सा नहीं हुआ शंभू ने। जी भाई साहब, एक्चुअली खेल हुई है, हाँ अभी मैंने बताया था कि 2 पतंग लड़ेगी, लेकिन एक ही पतंग लड़ी, उन लोगों ने भी पतंग उतार लिया, हम लोगों ने भी पतंग नहीं दिया, क्योंकि इतनी घिच हो रही है, अभी टाइम बहुत बाकी थी, अजान भी नहीं हुई थी, हम लोगों ने गेम बंद नहीं किया, अजान हो रही है, अभी अजान हो रहा है, हम लोग हार मान ली, सीधी बात है। अब इसका क्या अंदाजा आप लोग समझ लीजिए, 5 पर्चे से हार गए हम लोग, सीधी हार स्वीकार कर रहे हैं भाई, समझदार के लिए इशारा काफी है, ठीक है।